नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबरों पर। जमशेदपुर के मानदो के शांतिनगर निवासी शक्तिनाथ सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। वो स्वर्णरेखा परियोजना में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत था। उसके बड़े भाई अमरनाथ सिंह की बासुकीनाथ दुमका में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमरनाथ सिंह की हत्या के मामले में गणेश सिंह समेत कई लोग आरोपी हैं। बताया जाता है कि अमरनाथ सिंह का भाई शक्तिनाथ सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह अपने घर के पास गाड़ी में बैठा था। इसी बीच एक युवक आया जिसने उसको खड़े होकर 7 गोलियां मारी और भाग निकला। भागते हुए स्थानीय लोगों ने देखा, जिसकी पहचान पुलिस को मंटू सिंह के रूप में बताई। बताया जाता है कि मानगो इलाके के करीब 7 से 8 अपराधी जेल से छूटे हैं, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने में भूमिका निभाई है, ऐसे लोगों ने बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस हत्याकांड के पीछे क्या कारण है और किन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, उसकी पहचान कर पकड़ने का प्रयास किया जा रहा हो। बताया जाता है कि डब्ल्यू सिंह के खिलाफ भी कई लोगों ने जमशेदपुर के SSP ऑफिस जाकर शिकायत की थी। डब्ल्यू सिंह वर्तमान में आदित्यपुर स्थित स्वर्णरेखा परियोजना के कार्यालय में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत था। उसकी नौकरी उसके पिता के स्थान पर हुई थी। इस घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है और लोगों में भय और आक्रोश है। पुलिस ने जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने और न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। के द्वारा अभी आवेदन दिया जाएगा और कुछ लोगों के ऊपर उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है और उन्हीं लोग की धरपकड़ में पुलिस लगेगी। कारण क्या आ रहा है सामने? अभी प्रथम दृष्टया हम लोग के द्वारा एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी, तो उसमें मतलब कुछ जमीनी विवाद जैसा समझ में आ रहा है फिलहाल, तो उसके बाद ही फर्दर अनुसंधान होगा तो क्लियर होगा। किस चीज़ से आए थे सर वो लोग? अभी बाकी सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। ऐसा है कि जहाँ तक पता चल रहा है 2-व्हीलर से आए थे वो लोग, और बाकी देखिए हम लोग CCTV खंगालेंगे जैसा दिखेगा उसके। जिसको गोली मारी गई वो कौन है व्यक्ति? वो एक अमरनाथ सिंह करके थे, उनके बड़े भाई हैं जो है, तो ये एक सरकारी मुलाजिम ही थे, एक जो सिंचाई विभाग में ये छोटा बाबू के पद पे कार्यरत थे। उन्हीं के साथ बैठा कोई गैंगवार के तो शक्तिनाथ को मरवाने में ईश्वर सिंह का हाथ है। ईश्वर सिंह 1 रूम भाड़ा मांग रहा था, उसको नहीं दिया गया। इस चक्कर में विवाद किया, विवाद से नहीं सुलझा तो वो लोग ऑफिस से रिटर्न आ रहे थे, उसके ऊपर तावाथोर गोली चला गया है ना। उसके बाद ये लोग भागने की कोशिश किया तो कुछ लड़के को ईटा पत्थर से मारा, डंटा से मारा, घायल किया और शक्तिनाथ के ऊपर गोली चला के स्पॉट डेड, ठीक है। और उसके बाद वो भाग चुका। वो कांग्रेस का अध्यक्ष है, ठीक है, उसका सपोर्ट में बन्ना गुप्ता खड़ा है और चंदन सिंह उसके साथ खड़ा था, वो आपका बिजली विभाग का अध्यक्ष है। कितना तो घटना ये? एक घटना आपका 8:30 का है। कितने लोग आए थे? वो लोग 10 से 15 लोग आए थे सर। कहाँ के थे वो लोग? सब बस्ती के ही है। क्या चीज़ शायद है? सबको बुलाए थे, ठीक है, सबको बढ़ा के दारू पिला है, कल दारू पिला है, बत्तख का मीट बनवाए थे, पार्टी दिए हैं, कल संडे का दिन सब कुछ किए, पार्टी उटी दिए हैं। आपको बता दे, नदी किनारे में पार्टी दिए हैं, बत्तख 2 किलो का मीट बन, ठीक है, और दारू कहाँ पिला अभी बता दे रहे हैं। नदी किनारे पिलवाए हैं। क्या नाम पूरा हो गया आपका? मेरा नाम चंदन श्रीवास्तव। आपका क्या नाम हुआ? रवि कुमार ठाकुर। कितने बजे घटना है ये? अभी का टाइम है। कितने लोग आए थे लगभग? लगभग वो लोगों तो सर कगार में, सर आदमी कगार में तो लोग। घायल कितने लोग हुए? हम लोग घायल में तो एक जन का तो जान चल गया था, मनोज बैठ जो है कहाँ गया अभी तक पता नहीं चला। क्या नाम है? शक्तिनाथ सिंह। हाँ, ऑफिस से आए, 10-15 लड़का यहाँ खड़ा था, डायरेक्ट भैया गाड़ी में गोली चलाया है, हमको हम उतरे गाड़ी से। तो कौन भैया, क्या नाम उनका, क्या नाम? शक्तिनाथ सिंह का गाड़ी पे गोली चलाया सर, और उतरे जैसे मेरे साथ मारपीट हुआ है सर, है ना, और उसके बाद शक्तिनाथ सिंह को गोली मार दिया गया। आप लोग कितने आदमी को मारा पीटा गया? हम लोग 3 आदमी में, जैसे एक मनोज बाबा, मनोज बैद जो है उसको भी मार पीट के सर, पूरा वो भी कहाँ है, बचे हैं कि मरे हैं कोई पता नहीं सर। तो जिनको अभी गोली लगी है क्या वो डेथ कर गए? वो डेथ कर गए हैं, शक्तिनाथ सिंह। अच्छा अच्छा। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार
सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।